बच्चों आज हम क्या करेंगे, समानतुक वाले शब्द। समानतुक वाले शब्द होते क्या हैं पहले आप ये समझें। समान मतलब एक सा, तुक मतलब ले, या जिसको आपको बोलने में वर्ड वो एक जैसे लगे, तो मतलब क्या हुआ, राइम। पढ़े ना आपने इंग्लिश में राइम वर्ड्स, पढ़े राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स मतलब जिसमें एक जैसी लय आई, जैसे डाल, खाल, चाल, सब पीछे से बोलने में एक जैसे लग रहा है, सब में ल ल ल आ रहा है ना, डाल, खाल, चाल, जाल, सब में एक तरह की ही राइम आ रही है, एक तरह की तुक आ रही है, लय आ रही है, तो ये क्या हुए, समान तुक वाले शब्द। डाल, खाल, चाल, लहर, शहर, कहर, लटक, मटक, पटक, मगर, डगर, अगर, जीरा, खीरा, मीरा, माला, काला, ताला, पानी, रानी, नानी। अब आइए हम इनको समझते हैं। डाल, डाल कहाँ होती है बच्चों, पेड़ की डाल होती है। खाल हमारी स्किन होती है, हमारे शरीर पे जो चमड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खाल। चाल होता है चलने की स्पीड को भी हम चाल बोलते हैं, किसी के चलने के तरीके को भी हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, डाल, खाल, चाल, अब आपको इनके मतलब भी समझ आ गए होंगे। लहर, लहर क्या होता है, जैसे पानी में लहरें उठती हैं ना, लहर क्या होती है, वेव, जैसे पानी में उठती है ना वेव्स, उनको क्या बोलते हैं, लहर। शहर क्या होता है, सिटी, जहाँ हम रहते हैं। कहर क्या होता है, किसी के ऊपर कहर बरसाना, मतलब कुछ मुसीबत आ जाना, वो क्या हुआ, कहर। लहर, शहर, कहर। लटक, लटक होता है मतलब हैंग हो जाना, लटक जाना, जैसे कि जैसे दीवार पर पेंटिंग टंगी है, तो क्या कर रही है, वो पेंटिंग दीवार पर लटक रही है, मैं कहीं का कुछ बांध कर लटका दूँ, रस्सी से कुछ बांध कर लटका दूँ, तो वो भी क्या है, लटक। मटक, जब आप डांस करते हो तो आप मटकते हो, आपको पता ही होगा मटकने का मतलब। पटक, किसी चीज़ को जोर से रखना क्या होता है, पटक। मगर, मगर होता है मगरमच्छ को हम मगर बोलते हैं, और डगर होता है रास्ता। अगर, अगर आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ये करती, अगर मैं टीचर होता तो मैं ये करता, ऐसे आप करते हैं ना सेंटेंसेस में यूज़। अगर, जीरा, जीरा क्यूमिन सीड्स जो हम अपने सब्जी में डालते हैं, वो क्या होता है, जीरा। खीरा, कुकुम्बर आप सभी ने खाया होगा, खीरा ग्रीन कलर का होता है। मीरा किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़की का। माला जो गले में पहनते हैं। काला एक रंग है। ताला लॉक होता है जो आप अपने डोर पर लगाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने तब जाते हैं ना आप घूमने ताला लगा कर। पानी, पानी क्या होता है, जिसको आप पीते हैं, वाटर। रानी क्वीन। नानी, सब बच्चों की नानी होती है ना, आपकी भी नानी है ना, तो आपको नानी का मतलब पता है अच्छे से, आपकी जो मम्मा की मम्मा है वो क्या, आपकी नानी। एक बार हम दोबारा रीडिंग कर लेते हैं। समान तुक वाले शब्द, डाल, खाल, चाल, लहर, शहर, कहर, लटक, मटक, पटक, मगर, डगर, अगर, जीरा, खीरा, मीरा, माला, काला, ताला, पानी, रानी, नानी। अब सब बच्चों को ये वर्क अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करना है, और हर लाइन के बीच में आपको हर एक लाइन लिखने के बाद टू टू लाइन्स लीव करनी है। और अगर आप एक क्लाउड बनाना चाहते हैं तो आप ओनली क्रेयॉन यूज़ करेंगे, कोई बच्चा स्केच कलर या पेन यूज़ नहीं करेगा, ओके। और आपको ये राइमिंग वर्ड्स लर्न भी करने हैं। जैसे मैंने राइमिंग वर्ड समानतुक वाले शब्द हिंदी में नोटबुक में कराए हैं, ऐसे मैंने आपको आज बुक में होमवर्क दिया है। आपकी बुक में है ना ऋतु वाले चैप्टर में, लास्ट क्लास में रीड किया था, तो आपको ये होमवर्क में करना है बुक में, ओके क्लास, बाय बाय।